गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ मैथ वर्कशीट नंबर 4, राइट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, वर्कशीट नंबर 4 में क्या है, ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ रे हैज़ नो एंड पॉइंट। इन्होंने कहा है कि एक रे में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, तो ये क्या है, फॉल्स। अ लाइन सेगमेंट has only one end point। इन्होंने कहा है कि एक लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, ये भी फॉल्स है। थर्ड, टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन ऑल्सो बी पैरेलल लाइन्स। इन्होंने बोला है कि जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो हमेशा पैरेलल लाइन भी होती हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये भी फॉल्स है। फोर्थ है, अ रे हैज़ अनलिमिटेड लेंथ। इन्होंने बोला है कि एक रे में अनलिमिटेड लेंथ होती है, तो इट्स ट्रू। अ लाइन हैज़ नो वाइड। इन्होंने बोला है कि एक लाइन की कोई चौड़ाई नहीं होती, आप उसे कितना भी चौड़ा बना सकते हो, दैट्स ट्रू। सिक्स है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेज कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट। इन्होंने बोला है कि एक पॉइंट से होकर हम कितनी भी रे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक पॉइंट से होकर हम अनलिमिटेड रे ड्रॉ कर सकते हैं, तो इट्स ट्रू। सेवेंथ है, थ्रो टू डिस्टेंट पॉइंट वी कैन ड्रॉ ओनली वन सेगमेंट लाइन। इन्होंने बोला है कि दो पॉइंट से होकर, टू पॉइंट से होकर आप ओनली वन लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। क्लियर है, सेवन हो गए। क्वेश्चन नंबर एट है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 लाख। फॉल्स, 1 मिलियन 1 लाख के इक्वल कैसे हो सकता है, नहीं होगा, तो ये फॉल्स है। नाइन है, 1 करोड़ एंड 1 बिलियन आर इक्वल। यहाँ भी इन्होंने कहा है कि जो 1 करोड़ है वो 1 बिलियन के इक्वल है, तो ये भी फॉल्स है, इट्स फॉल्स। टेंथ, द वैल्यू ऑफ अ प्लेस इन द प्लेस वैल्यू सिस्टम इज 10 टाइम द वैल्यू ऑफ द प्लेस जस्ट टू द राइट ऑफ इट। ठीक है, टेंथ में ये लोग कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ द प्लेस वैल्यू, प्लेस इन द प्लेस वैल्यू सिस्टम, मतलब प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग, प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग जो टेंथ प्लेस है, जैसे 2 नंबर वाला नंबर है, तो उसके राइट वाला, राइट साइड वाला जो नंबर होगा वो उस नंबर का 10 टाइम्स होगा, इट्स ट्रू। ठीक है, 11th है, 1 करोड़ इज सक्सीजर ऑफ 99,99,999। ये भी क्या है, ट्रू, क्योंकि हम 99,99,999 में अगर 1 प्लस करेंगे तो 1 करोड़ बन जाएगा। ठीक है, और जिसमें हम 1 प्लस करते हैं वो क्या होते हैं, सक्सीजर, तो ये भी क्या है, ट्रू है। 12th देखिएगा, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स इज द प्रेडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। इन्होंने बोला है कि 6 डिजिट का जो, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, और जो 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है वो उसका प्रेडिसेसर है, तो ये राइट है अगर हम, ठीक है, ये क्या है, राइट है। ठीक है बेटा, अगर हम 7 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर में से 1 माइनस कर दें तो
सिक्स डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा, मतलब ये क्या हुआ, उसका प्रेडिसेसर हुआ। तो इन्होंने कहा है कि जो सिक्स डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है वो प्रेडिसेसर है, प्रेडिसेसर नंबर है सेवन डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर का। ठीक है, नाउ वर्कशीट नंबर फाइव। वर्कशीट नंबर फाइव में है फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस गिवन बिलो। देखिए हमें क्या दिया है, रेडियस दी हुई है और हमें डायमीटर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 3 सेंटीमीटर। क्या है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ रेडियस, तो हमने यहाँ पे सॉल्व में लिख लिया रेडियस इजिकल 3 सेंटीमीटर जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब हमें क्या फाइंड करना है, डायमीटर। तो यहाँ पर हमें इतनी सी बात याद रखनी है कि डायमीटर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 2 × रेडियस, 2 × रेडियस। डायमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2 × रेडियस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 × रेडियस की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। रेडियस के प्लेस पे हमने रख दिया 3 सेंटीमीटर, देन 3 × 2 = 6, 6 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा आंसर। क्लियर है, हमें सब में रेडियस दी हुई है और हमें सब में डायमीटर फाइंड करना है, मतलब जो वैल्यू दी है हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। सेकेंड देखिए 5.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन है। ठीक है, रेडियस दिए 5.5 सेंटीमीटर, डायमीटर इजिकल फॉर्मूला होता है 2 × रेडियस। रेडियस की प्लेस पर हमने रख दिया 5.5 सेंटीमीटर और 5.5 से हमने 2 में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 11, करके दिखाती हूँ। देखिए 5.5 × 2, ये रफ वर्क है, आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, 2 × 5 = 10 का 0, कैरी का 1, 2 × 5 = 10, कैरी का 1 प्लस किया तो 11, पीछे से पॉइंट काउंट किया 1 नंबर पहले, तो यहाँ 1 नंबर पहले पॉइंट रख दिया, और पॉइंट के बाद 0 का कोई मीनिंग नहीं होता, तो क्या आ गया 11 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है 4.6 सेंटीमीटर। रेडियस दी हुई है हमें 4.6 सेंटीमीटर, डायमीटर के फॉर्मूले में पुट किया 2 × रेडियस। ठीक है, अब हम 4.6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 6 = 12 का 2, कैरी ऑन 1, 2 × 4 = 8 और 1 प्लस किया तो 9, मतलब और 1 नंबर पहले पॉइंट, तो यहाँ 1 नंबर पहले हमने क्या रख दिया पॉइंट, तो क्या आ गया 9.2 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, फोर्थ में रेडियस दी हुई है 4.9 सेंटीमीटर, डायमीटर के फॉर्मूले में रखा 2 × रेडियस। ठीक है, रेडियस क्या 4.9, तो हम 4.9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 9 = 18 का 8, कैरी ऑन 1। ठीक है, 2 × 4 = 8 और 1 प्लस किया तो 9 और पॉइंट 1 नंबर पहले, तो 9.8 क्या आ गया हमारा आंसर, 9.8 सेंटीमीटर आ गया डायमीटर। फिफ्थ, रेडियस दी हुई है हमें 6 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर का फॉर्मूला 2 × रेडियस हमने पुट कर दी 6 सेंटीमीटर, 6 × 2 = 12 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। ठीक है, वर्कशीट नंबर 5 का पार्ट बी। पार्ट बी क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज। अब इन्होंने हमसे कहा है कि सर्कल की रेडियस फाइंड कीजिए जिसकी डायमीटर आपको दी हुई है। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर जो कि हमारा डायमीटर है, तो हमने क्या लिख लिया, डायमीटर इज इक्वल 10 सेंटीमीटर। और देखिए डायमीटर से रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है डायमीटर अपॉन 2, दैट मीन्स डायमीटर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रेडियस फाइंड हो जाएगी। ठीक है, देखिए रेडियस इज इक्वल डायमीटर अपॉन 2, ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है, उसके बाद इजीली सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर में हमने लिख दिया 10 सेंटीमीटर अपॉन 2, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 5 = 10, तो ये क्या आ गया 5 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। सेकेंड है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर हमें क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, रेडियस इजिकल डायमीटर अपॉन 2 फॉर्मूला होता है, डायमीटर के प्लेस पे हमने क्या रख दिया 6 सेंटीमीटर, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 3 = 6 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है हमें 12 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस इजिकल डायमीटर अपॉन 2,
डायमीटर की वैल्यू रख दी हमने 12 सेंटीमीटर और 2 से डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला. 2 वन जा 2, 2 सिक्स जा 12, तो क्या आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया हमारा आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है 16 सेंटीमीटर. 16 सेंटीमीटर डायमीटर है, रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2. डायमीटर की वैल्यू हमने रख दी 16 सेंटीमीटर अपॉन 2, तो 2 वन जा 2, 2 एट जा 16, मतलब क्या आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया हमारा आंसर. ठीक है, वर्कशीट नंबर 5 यहीं पे खत्म होती है और आज हमें यहीं तक करना है. ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय.